आइए हम सब बाइबल खोलेंगे. प्लीज ओपन विथ मी मैथ्यू 24, मत्ती का 24वां अध्याय, 24:44. इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा. इंग्लिश. So you also must be ready. The Son of Man will come at a time when you don't expect him. हिंदी लगा दो वापस. आइए तीन गिनेंगे और उसके बाद अपनी अपनी बाइबल में पढ़ेंगे. 1, 2, 3. ओके. इससे पहले कि मैं इस वर्ड में आऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल दो चीजों को सबसे ग्रेटेस्ट इवेंट्स कहती है जो चर्च के लिए रखे गए थे. फर्स्ट, उसका पहली बार आना, और सेकंड, अब उसका दोबारा लौटना. और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु का पहली बार आना गुनहगारों के लिए था, धर्मियों के लिए नहीं. पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका दोबारा आना किसी गुनहगार के लिए नहीं, धर्मियों के लिए है. और जिन्होंने पहली बार उसे देखा था, उन्होंने उसे मार खाते हुए, अपराधों को अपने ऊपर लिए हुए देखा था. पर जो लोग उसे दोबारा देखने वाले हैं, वो उसको उस तरह नहीं, महिमा से देखने वाले हैं. पहली बार जब वो उस पृथ्वी पर आया था, तो वो एक गधे पे बैठ के आया था, पर अब वो एक घोड़े पे बैठ के आएगा. गधे पे एक सर्वेंट बैठता है, वो नौकर की तरह आया था, पर अब वो नौकर नहीं, अब वो दूल्हे की तरह आएगा. आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए. शायद आप में से बहुत सारे लोग जो 6-8 महीने से हमारे बीच में आ रहे हैं, शायद आप इस सच्चाई से वाकिफ ना हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ बाइबल नहीं, लेकिन बहुत सारी किताबें एक्सप्लेन करती हैं कि इस दुनिया का मालिक एक दिन वापस लौटेगा. और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए, बहुत जल्द आप यीशु मसीह को हमारे बीच में फिर से आते हुए पाएंगे. वो हमारे बीच में आएगा, लेकिन वो सब बात में है. पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं पहले, कि जब यीशु पहली बार आया, तो उसने अपने दोबारा आने के लिए बहुत बार बातें की थी. और जब वो उठाए जाने पर था, तो बाइबल ऐसा बताती है, सब चेले आसमान की तरफ देख रहे थे, और लिखा है एक बादल ने उसे घेर लिया था. ये वही बादल है जो मूसा की इसराइलियों के आगे चलते चलते अगुवाई करता था. ये आसमान नहीं है. कई लोग सोचते हैं आसमान है. नो, एक बादल ने उसे घेर लिया. ये वही बादल है जो मूसा के आगे आगे चल के उनकी अगुवाई करता था. पवित्र आत्मा ने उसे ले लिया. और याद रखिए, जब वो लोग ऊपर देख ही रहे थे, तब एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, ऊपर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो उठाए गए हैं, दोबारा लौटेंगे. लेकिन यीशु ने अपने आने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें कही जो इंसान को जानना जरूरी है. पर प्रॉब्लम यह है कि आज की कलीसिया तैयारी से ज्यादा उसके सिर्फ आने के सिंबल्स को ढूंढने में लगी पड़ी है. आप जानते हैं, यहां पर एक वचन लिखा गया है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा. अब कोई भी बाइबल का पेज मत पलटना. मैं चाहता हूं आप इस मैसेज को पहले समझो. आपको पता है ये 24 अध्याय है. आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, उस चैप्टर में 3 दृष्टांत हैं. वो तीनों दृष्टांत उसके आने के लिए बात करते. मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है. उसके बाद 3 दृष्टांत हैं. एक दृष्टांत 10 कुंवारियों का, दूसरा दृष्टांत तोड़ों का, तीसरा दृष्टांत न्याय के दिन का. आपको पता है क्यों उसने अपने आने के दोबारा बाद ये दृष्टांत कहे? ये तीनों दृष्टांत आपको उसके आने के लिए तैयार करते. जब यीशु ने एक दिन कहा, ये जो मंदिर है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसा समझिए अब मैसेज स्टार्ट हुआ है.
आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है, राजा हेरोदस नाम का एक व्यक्ति था। इस राजा हेरोदस ने एक मंदिर बनाया था और इस मंदिर को बनाने में 46 ईयर्स लग गए थे। और इतना सुंदर था यह मंदिर बाहर से कि यीशु के चेले भी इसे देख के पूछ रहे थे, कितना सुंदर मंदिर है ना। तब यीशु ने उनको एक बात कही थी, सुनो कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। जब उन्होंने ये शब्द सुना तब से उन्होंने यीशु को कैच किया और बार बार वो उससे पूछने लग गए थे, तेरा आना कब है। याद रखिए, यीशु का आना एक अलग बात है, दुनिया का अंत दूसरी बात है। और ये दो सवाल वो हमेशा पूछते थे, दुनिया का अंत और दोबारा आना क्या होगा। तब यीशु ने उन्हें एक बात बताई, मेरे आने से पहले कुछ चीजें होंगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने किसी को भी नहीं कहा था कि इन चीजों को जानने में ही बिजी रहना। जैसे आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रकाशित वाक्य में जो कटोरे हैं, जो वो किताब है सील्स वाली, जो सिंबॉल्स हैं, प्रोफेसीज हैं। आप देखो, नो डाउट हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, पर बहुत सारे लोग इन्हीं बातों में बिजी हैं आजकल। आपको पता है, ऐसा भी हो सकता है यू हैव होल इंफॉर्मेशन कि यीशु कब आएगा लेकिन यू आर नॉट रेडी। ऐसा भी हो सकता है कि आप सब जानते हो, तो सुनामी भी आ गई, आकाश की शक्तियां भी हिलाई गई, ये भी हुआ वो भी हुआ, ये भी हुआ वो भी हुआ, और तू तैयार है नहीं। सबसे पहले यीशु ने कहा, मेरे आने से पहले जानते हैं क्या होगा, बोलो अपने बाजू वाले को, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। हाँ, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, आ खड़े होंगे, मतलब बुलाया भी नहीं है, ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। कितने लोगों ने आराम से पढ़ा है, आ खड़े होंगे, बोलो बाजू वाले को, आ खड़े होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग हैं सेल्फ मेड अपोस्टल्स, खुदा ने बुलाया भी नहीं है, मैं अपोस्टल, मैं ये, मैं वो, ये मैं। एक भाई ने मुझे बोला, ब्रदर आप पास्टर हो, मैंने बोला मैं ब्रदर हूं भाई। तो बोलता है, नहीं नहीं आप तो पास्टर हो ना, पास्टर क्यों नहीं लिखते हो। मैंने कहा, भाई वो बहुत बड़ी पदवी है, हम क्या लायक हैं क्या वहां तक पहुंचने के, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, खुद बोल तो मैं खुद को बोल सकता हूं, पर खुदा मुझे बोले उसमें बड़ा समय लगेगा। आज लोग पता है क्या करते हैं, लिखा है झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े होंगे। अच्छा भाई, कैसे पता चलेगा झूठा भविष्यवक्ता कौन है? लिसन, दे प्रीच मिरेकल्स मोर देन द लाइफ ऑफ जीसस। सबसे खतरनाक बात, वो यीशु के जीवन से अधिक चमत्कारों का प्रचार करेंगे। सेकेंड थिंग, वो आपसे रिलेशन मेंटेन करेंगे ताकि वो आपसे पैसे ले सकें। क्या बेड़िया बेड़ को ऐसा बोलेगा, मेरे को तेरा मटन खाना है, खाने देना? कैसे आएगा वो? वो पहले फ्रेंडशिप करेगा। बहुत सारे लोग हैं, ऑफरिंग दो तो घर पे आएंगे, अदरवाइज गरीबों से तो उनकी कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं है। हाँ, सच में। पहली चीज, वो चमत्कारों से बहुत प्रचार करेंगे लेकिन यीशु के जीवन के विषय में कोई बात नहीं करेंगे। चेले जेल में बंद थे, स्वर्गदूत उनको छुड़ा के कहते हैं, जाओ उस जीवन की बातों का प्रचार करो, तुमने देखा था वो 33 साल तुम्हारे बीच में कैसा रहा था, जाओ उसकी जिंदगी के बारे में बताओ। आपको पता है, एक दिन चेले बंद थे जेल में और उनको उनको स्वर्गदूतों ने छुड़ाया था, और स्वर्गदूत छुड़ाने के बाद जानते उनको क्या बोलते हैं, जाओ उस जीवन, वो कौन सा जीवन, वो जीवन जो तुम्हारे बीच में उसे बिताया था, उसके लिए जाके बताओ, न कि सिर्फ चमत्कारों का प्रचार करो। हमें चाहिए चमत्कार, नो डाउट, बट कितने लोग ये बात जानते हैं, इन झूठे भविष्यवक्ताओं में सबसे खतरनाक बात यह रहती है, वो चमत्कारों का प्रचार बहुत करेंगे पर यीशु मसीह के जीवन का नहीं। सेकेंड थिंग, उनके अंदर और कौन सी चीजें होंगी? एक नंबर के पैसों के लालची होंगे वो। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने लिए बहुत बात करेंगे, सेल्फ बूस्टिंग, मैं ये, मैं वो, मैं ये बाइबल कॉलेज में से आया, मैं वो बाइबल कॉलेज में से आया, मैंने इतनी कलीसियां खड़ी की हैं, दिखाई तो एक भी नहीं देती है, मैंने ये किया, मैंने 50 देशों में गॉस्पल शेयर किया। हाँ, दिख रहा है 50 की हालत खराब लगी पड़ी है आजकल। सेल्फ बूस्टिंग, ये तीन चीजें उनमें रहती हैं, इससे पहचानो कि झूठे भविष्यवक्ता कौन होते हैं, बदल सच्चा कौन होता है।
यीशु ने कहा जो अपने बेचने वाले की बड़ाई चाहे वह सच्चा है। यीशु ने कहा जो मुझे ऊंचा उठाए वो सच्चा है। जो प्रचार करने के बाद इस बात का पश्चाताप करे कि खुदा मैंने आज भी तेरे लाइफ का ठीक से प्रचार नहीं किया वो सच्चा है। और आज देखिए जहां पर लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे हो रहे हैं। आज आप देखिए, आज अगर पता चले ना यहां पर कि एक आदमी आया है और वो जो बोलता है वो एक प्रचारक है, मैं आपको सच कहता हूं बहुत लोग चले जाएंगे। अच्छा डॉक्टर भी नहीं पता है कौन है, ओनली जीसस वाला है, जहोवा विटनेस है, वो भी नहीं जानेंगे, चलना काम हो जाता है, चल 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 चल, चल। अंकल हाथ रख दो ना, यू नो दे डोंट नो, उनको कोई लेन देन नहीं है, उनको एक ही काम चाहिए, मेरा काम हो बस, गधे को बोलो घोड़ा बोल दूंगा, घोड़े को बोलो गधा बोल दूंगा, बस मेरा काम होना चाहिए। ये झूठे भविष्यवक्ताओं के दिन हैं, ट्रस्ट मी, बचिए। किनको सुनते हो यूट्यूब पे ये भी बात देखिए, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको चमत्कारों को देख के आप ऐसा सोचते हो हाँ ये चमत्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल का पहला चमत्कार जो रिकॉर्डेड है, मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविल एक सांप के द्वारा बात कर रहा था, ये भी एक मिरेकल है। तो क्या वो परमेश्वर है? ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको यीशु के पीछे चलने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं, जो आपको इंस्पायर्ड करते हैं, यीशु के पीछे जाओ, मेरे पीछे मत आओ। जॉन द बैप्टिस्ट को देखो, वो कहता है मेरा पीछा मत करो, जाओ उसका पीछा करो। मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा है कोई कहे जाओ उसको फॉलो करो जाके, कोई नहीं कहता आजकल। आजकल सब अपनी भेड़ों को बांध के रखते हैं, नहीं तू रुक, तेरा दशमांश मेरे को मिलेगा। ऐसे कैसे जाएगी? जा भले टाइथ इधर दे, जा ना भले जा उधर, टाइथ इधर दे मेरे को। क्यों, क्या है? मेरे को प्रभु ने बुलाया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ के बैठा हुआ हूं, तो पैसा तो चाहिए ना मुझे। दीज आर द डेज ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स। सेकेंड थिंग, यीशु ने कहा सुनामी आएगी मेरे पीछे, आई, लहरों की कोलाहल से तुम घबरा जाओगे। हुआ कितना कुछ, हुआ केरला में कितनी कुछ भाड़े आई। उसके बाद यीशु ने कहा आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। क्या आपको इस बात को पता है, स्पेस पे जाना एक सिन है। भजन संहिता में लिखा है पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है, जो आपको खुदा ने दिया है आप उसमें रहो। ऊपर छेड़छाड़ क्यों करते हैं लोग? क्या लिखा है, अंत के दिनों में आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आज देखो लोग जा रहे हैं वहां पर, ये पृथ्वी कम पड़ गई है जो ऊपर रहने के लिए जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है, क्या पृथ्वी कम हो गई है जो अब आप वहां रहने के लिए जा रहे हो? अंतिम दिनों में छेड़छाड़ की जाएगी। यीशु मसीह कहता है अंतिम दिनों में लोग खाएंगे पिएंगे डांस करेंगे। आप देखो आज से 10 साल पहले भी इतनी डिशेस नहीं थी जितनी आज हैं। आप यूट्यूब चलाकर तो देखो, कुछ बहनें लगी हुई रहती हैं, रुक पॉज कर, होल डे खाना खाना खाना। इंसान खाने के लिए 15-15 किलोमीटर दूर जाता है आज। ये पिज्जा नहीं वो पिज्जा चाहिए, वो पिज्जा नहीं ये पिज्जा चाहिए। परमेश्वर के वचन की कोई भूख और प्यास नहीं है, खाने के लिए 20-25 किलोमीटर दूर जाते हैं वो। डू यू नो, वे अपने घर पे पौधे लगाएंगे, यीशु कहता है, अपने घर को बनाने में इतनी चीटिंग करेंगे। हलन दो आना पोछा है, चलता है, मेरा घर बनेगा इससे। ये सब इंफॉर्मेशन यीशु ने दी और लोग इनमें ही बिजी हैं, आज आगे बढ़ते ही नहीं है। आज आगे बढ़ना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने ये सब बातें बताने के बाद कभी उसने ये बातें नहीं दोहराई। उसके बाद जो चीज उसने बार बार दोहराई थी वो थी तैयार रहो, बी रेडी। और अगर आप आज तैयार होना चाहते हैं तो आज के स्टार्ट आने वाले 15-20 मिनट ये वचन आपको शिक्षित कर सकता है, टीच कर सकता है कि उसके आने के सामने, यू नो, मैंने इन दिनों में ट्रमेंडस वर्ड ऑफ गॉड पढ़ा, उसमें लिखा था कि तैयार रहो ताकि तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन पाओ। कितनों की ये डिजायर है कि जब यीशु मसीह आए तो आप केन की तरह शक्ल नीचे नहीं करें। आपको पता है पहला शब्द जो प्रभु ने केन से कहा था ये था, तेरी शक्ल नीचे क्यों है? लेकिन यीशु कहता है नहीं, तुम्हारा सर ऊंचा होना चाहिए उससे।
अगर आप सच में, और मैं आपको इतना भी बता देता हूं, आज का मैसेज शायद आपको पृथ्वी की कोई वस्तु नहीं देगा, लेकिन जब यीशु आएगा तो पतरस का वो वचन पूरा होगा, तुम बड़े आदर और महिमा के साथ उसके राज्य में प्रवेश करोगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है कि जब यीशु ने कहा तैयार रहो, वो कभी ऐसा नहीं कर करता था कि कुछ वो बोल के वो चला जाए, वो हमेशा अपने टॉपिक को पूरा करता था। बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद यीशु ने एक बात कही, 10 कुंवारियां थी, बोलिए 10 कुंवारियां। कुंवारी का ऑपोजिट क्या होगा? वर्जिन्स यार, कुंवारी, वर्जिन्स लिखा गया है, ऐसी बहनें जिन्होंने अब तक किसी पुरुष के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया था, दैट्स कुंवारी उसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? शादीशुदा भी हुआ और व्यभिचारिणी भी हुआ। आप जानते हो जब बाइबल ऐसा बताती है वो कुंवारिया थी, इसका मतलब वो व्यभिचारिणी नहीं थी। आप जानना चाहते हो व्यभिचारी कौन होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल एडल्ट्री क्या होती है? ब्रदर, कोट वन थिंग, James 4:4, देखिए यहां पर क्या लिखा है हिंदी में, याकूब 4:4, देखो आत्मिक व्यभिचार क्या होता है। हे व्यभिचारिणियों, नॉट व्यभिचारियों, व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। बाइबल बताती है वो व्यभिचारी हैं वो लोग जो संसार से मित्रता करते हैं। बाइबल ऐसा बताती है वो कुंवारियां थी, उन्होंने संसार के साथ कोई मित्रता नहीं की थी। संसार से मित्रता करने का मतलब जानते हैं, संसार पैसों के पीछे है, संसार वासनाओं के पीछे है, संसार बड़ा बनने के पीछे है, और लोग यीशु मसीह का नाम उपयोग करके कलीसिया में बड़ा बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, और उनकी चर्च के अंदर चलनी चाहिए, उनको पदवी चाहिए। दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल एडल्ट्री। मैंने कितने लोग देखे हमारे चर्च के अंदर, जब उन्हें सेवकाई का मौका नहीं मिला, दे लेफ्ट द चर्च। सच कहता हूं, क्योंकि उनको पता है क्या लस्ट है, लीडरशिप। उनको सिखाना है, उनको सीखना नहीं है। यीशु मसीह के चेलों को देखिए, प्रभु भोज की टेबल पे झगड़ा कर रहे थे वो लोग, एक दूसरे को कह रहे थे इसके जाने के बाद हमें अगुआ कौन होगा, इसके जाने के बाद लीडरशिप किसको मिलेगी। आपको पता है वो लड़ रहे थे, वो ये नहीं पूछ रहे थे। यीशु कहता तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता मैं कहां जा रहा हूं। आप पढ़ सकते हैं क्या होता है आत्मिक व्यभिचार। यीशु कहता है वो कुंवारियां थी, अब यहां पर लिखा है हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? क्योंकि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आपको पता है जो भी लोग संसारिक तौर पर चल रहे हैं वे परमेश्वर के बैरी हैं, बाइबल बताती है ऐसा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, I'm asking you a simple question, क्या आप संसार के मित्र तो नहीं है? Are you friend of world? ऐसा तो नहीं है एक मसीह होने के बाद भी आप मूवीज पे जाते हैं, फिल्म के सॉन्ग सुनते हैं। बाइबल बताती है सब झूठ के चाहने वाले नरक में हैं अंतिम दिनों में। जो भी लोग दुनिया को पीछा कर रहे हैं, दुनिया के फैशंस का पीछा कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू बाइबल जो भी लोग संसार के साथ मित्र हैं वो परमेश्वर के बैरी हैं। आज दुनिया देखो क्या लगी पड़ी है। कभी आपने देखा था सेलफोन देना, कभी आपने देखा था सेल्फीज का इतना क्रेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फी? सेल्फ, सेल्फ, स्वयं। मैं आपको सच कहता हूं 3-3, 4-4 घंटे लोग चार्जिंग उतर जाती है लेकिन वो बैठे रहते हैं, नो अब भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, नहीं इससे अच्छा सकता था फोटो, ये वो ये वो, कम से कम 50-100 फोटो निकालने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूं लोग इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, वहां पर डालेंगे, और मैं आपको बताऊं कुछ लड़के उन्हें लिखते हैं यू आर लुकिंग सेक्सी, और ये लड़कियां एंजॉय भी करती हैं। शेम ऑन दोज पीपल, उन्हें शर्म आनी चाहिए, ये अपने आप को बिलीवर कहते हैं, दे आर नॉट अ क्रिस्टियंस। मैं आपको बताना चाहता हूं ये खुदा के दुश्मन है। सेल्फी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फी?
सेल्फ को उठाना, स्वयं को उठाना। अब तक तुम मसीह में आके अपने आप को उठाते हो, तो फिर खुदा कहां है तुम्हारे जिंदगी में? वेयर इज जीसस? कहां है खुदा तुम्हारे जिंदगी में? बाइबल ऐसा बताती है, देखो शायद आपने इस वचन को बहुत पहले कभी इतना ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज पढ़ लो। बाइबल बताती है उन्होंने स्टार्ट किया था ऐसा वर्जिन, उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था कुंवारियों के समान। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों ने कुंवारियों के समान स्टार्ट किया था, बट दे आर टुडे इन स्पिरिचुअल एडल्ट्री। पीछे करो वापस, आप जानते हैं वहां पर क्या लिखा है? 10 कुंवारियां थी। अब देखिए मैं इनकी एक ऐसी बात आपको शो कर रहा हूं जो शायद आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, आई डोंट नो, लेकिन आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। लिसन, ऐसा लिखा गया है, जब इन्हें पता चला कि दूल्हे के आने में देर होगी तो 5 सो गई कि 10 सो गई? हां 10 ही सो गई। आप जानते हो आपकी मेन टेस्टिंग क्या है? जब आपको पता चलेगा दूल्हे के आने में लेट है और खुदा आपको देखेगा, अब आप कैसे चलते? दैट इज अ टेस्ट। यीशु आ रहा है, यह सुन के तैयार होना तो बहुत आसान है, पर मैं आपको कहूं उसके आने में 200 साल बाकी हैं। खुदा मैं अब भी वैसा ही चलूंगा? दैट्स टेस्ट। इस जगह पे क्राइसिस दिख रहे थे, उनको पता चल, उन्होंने देखा कि उनके आने में देर हो रही है। आपको पता है वो सो गई। आज बहुत सारे लोग जानते हैं गुनाह किस थॉट में आके करते हैं, अब प्रभु के आने में बहुत समय है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, चलता है थोड़ा बहुत, बनने दे, चिटचैट करने दे मुझे, और चलता है। ओके, आप कर सकते हैं, कौन आपको रोकेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी विल को कंट्रोल नहीं करता है, तो प्रीचर कौन कहां से करेगा आपको? आप जानते हैं, अब मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है, बताइए इन्होंने कुप्पी में तेल भरा था? मैं फिर से बोलता हूं, 10 कुंवारियां हैं, इन 10 को पता है कि दूल्हा आने वाला है, और इनको पता है एक ही चीज को पहचाना जाएगा कि मशाल है, ऑयल है कि नहीं। और आप जानते हैं लिखा है 5 स्त्रियों ने मशाल भी ली, ऑयल भी लिया और चल गई। लेकिन आपको पता है मूर्ख मूर्ख स्त्रियों के लिए क्या लिखा है? उन्होंने मशाले तो ली पर तेल नहीं लिया। इसका मतलब क्या है कि मशाले तो ली गई पर तेल नहीं लिया गया? आपको पता है मशाल विजिबल चीज है, दिखती है, पर ऑयल उसके अंदर रहता है, वो दिखता नहीं है। आज बहुतों की टेस्टिमनी पता है क्या है? मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, दारू नहीं पीता हूं, लड़कियों के पीछे नहीं भागता हूं, पब्स में नहीं जाता हूं, ये सब बाहरी टेस्टिमनी बहुत अच्छी है। इनसाइट क्या? इनसाइट ऑयल है। आपको पता है 5 को मूर्ख क्यों कहा गया था? क्योंकि उनकी गवाही लोगों के सामने बहुत अच्छी और खुदा के सामने खतरनाक थी। ऑयल गुम है लेकिन लाइट जल रही थी, ऑयल नहीं लिया था। याद रखना, आग दिखाई देती है। उनकी गवाही अच्छी थी, ये बहन बहुत अच्छी है, ये बहन बहुत अच्छी है, कलीसिया में सबकी मदद करती है, ये भाई बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कोई कितना भी अच्छा कहे, पर आप बहुत अच्छे से जानते हो आप इनसाइट कैसे हो। आपको पता है यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? मैं आने वाला हूं, अपनी इनर मैन ठीक करो। अगर आप चाहते हो यीशु न्याय के दिन आपको पहचाने, आपको जाने, सेट योर इनसाइट लाइफ, उस दिन परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा, जिन्होंने अपने 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान। लिखा है मूर्ख ने मशाले तो ली पर तेल नहीं लिया। इसका मतलब क्या है? बाहरी गवाही बहुत अच्छी थी, लोग कुछ भी बोलते थे सह लेते थे, चर्च में कुछ भी बोलते थे सह लेते थे, बट इनसाइड लाइफ बहुतों को माफ नहीं करते थे, बहुतों के अंदर जलन भरी बड़ी थी, बहुतों के अंदर कॉम्पिटिशन नेचर भरा पड़ा था, मैं इससे पीछे कैसे जा रहा हूं, मुझे तो उसके आगे बढ़ना है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपकी मशाल जल रही है, किसी को आपकी गड़बड़ियों की नहीं पता है चर्च में, सब लोग आपको कहते हैं अरे अच्छा बिलीवर है ये, अरे तेको पता भी है। हो सकता है आपके लिए कोई किसी चर्च में किसी को कुछ भी नहीं पता है, बट व्हाट इज योर इनसाइट? यू नो, अरे मैंने कई साल अपने पास्टर को मूर्ख बनाया था,
मेरे पास्टर सबको बोलते थे, मेरा 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 ये भाई, अरे तो बाइबल का सॉफ्टवेयर है, ऐसा बोलते थे लोग मेरे लिए, बाइबल का सॉफ्टवेयर है ये। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब वो बोलते थे ना, मुझे शर्म आती थी, क्योंकि मैं जानता था मैं क्या था। मेरे अंदर बहनों के लिए बुरे विचार होते थे। ट्रस्ट मी, मैं प्रभु की वेदी पे खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं आपको, और मैं मुझे अपने पाप कबूल करने में कोई शर्म भी नहीं आती है, क्योंकि मैं जानता हूं कोई जवान मुझे फॉलो करता है वो ईमानदार बन सकता है मुझे देखकर। मशाले जल रही थी पर ऑयल नहीं था। हो सकता है आपकी चर्च के अंदर, आपकी आपके एरिया में आपकी टेस्टिमनी बहुत अच्छी है, ये भाई अरे इसको पूरा बाइबल पता है, ये बहुत अच्छे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी इनसाइट लाइफ कैसी है। आपको जब लोग सताते हैं, लोग परेशान करते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हो खुदा जानता है। जब आपके सामने से बहनें पास होती हैं, आप उनको क्या देखते हो, कैसा सोचते हो, याद रखना आपके मोबाइल में क्या क्या चैट्स पड़ी हैं खुदा जानता है। ही नो योर इनसाइट लाइफ, वो आपके भीतरी जिंदगी को जानता है। आपको पता है यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? मेरे आने से पहले सिंबल्स क्या हैं, कटोरा क्या है, ये क्या है, उन बातों से ज्यादा इस बात पे ध्यान देना कि क्या तुम्हारे अंदर ऑयल है, क्या तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हो, क्या ऐसा है कि तुम सिर्फ उनसे अच्छा नहीं चलते, सॉरी तुम उनसे भी अच्छा चलते हो जो तुम्हें सताते हैं। कई लोग कहते हैं आई एम अ नाइस पर्सन, मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। अच्छा, जिन्होंने तेरा बुरा किया उसके साथ क्या किया है? आइए मैं एक सवाल पूछता हूं। बोलते ना बहुत सारे लोग, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। आपने किसी का बुरा नहीं किया, पर जिन्होंने आपका बुरा किया था उनके साथ क्या किया है? आज लोग 3 साल किसी बाइबल कॉलेज में जाते हैं। एक ब्रदर थे, वो जहां मिलते थे मुझे सर्टिफिकेट दिखाते थे, बदर मैंने बाइबल कॉलेज में होकर आया, मैं बाइबल, मैंने बोला इसको गले में पहन के घूम, हर एक को दिखा मैं बाइबल कॉलेज से होकर आया हूं। मुझे बताइए क्या ये सर्टिफिकेट खुदा ने दिया है आपको? हाँ, जितने भी लोग बाइबल कॉलेज में से होकर आए हैं, मैं बाइबल कॉलेज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं तो नहीं गया हूं और ना कभी जाऊंगा। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मुझे बताइए जब यीशु नदी पे आया, यरदन नदी पे आया, तो पिता ने क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है। सेवकाई करने से पहले बोला कि बाद में? कितने लोगों को यह सर्टिफिकेट है? कितनों को यह सर्टिफिकेट है कि मुझे बाप ने ऐसा कहा है? सेवकाई करने से पहले वो सर्टिफिकेट नहीं, ये चाहिए। हां यही चाहिए, बच्चा भी बोल रहा है हां यही चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य बच्चों का ही है। आइए, पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यही थी, ये जो आप लोगों के सामने है ना वो नहीं चलेगा, आप जो इनसाइड हैं वो खुदा देखेगा। कितने लोग हैं सच बताइए, हाथ मत उठाइएगा क्योंकि हो सकता है आपका बाजू वाला आपके से दूर हो जाए। कितने लोग हैं यहां पर सच बताइए, जब लोग आपको कुछ बोलते हैं आप भले रिएक्ट नहीं करते हो लेकिन आपको हर्ट होता है? डोंट लिफ्ट योर हैंड, हाथ नीचे करो, बाजूला आपको दिखेगा। कई लोग हैं जब उनको कुछ कोई कुछ कहे या उनको हर्ट होना, ऐसे बिहेव करेंगे, जय मसीह की, कुछ नहीं हुआ और बोलो, हो भी रहा है तो मैं दिखाऊं क्यों, यू नो, बहुत तकलीफ होती है उनको, लेके जाते हैं अंदर से चुपचाप, मैं वापस इस चर्च में नहीं आएगा, डू यू नो, वो ले जाते हैं। और फिर जानते हैं एक हफ्ते तक उस बीज को जो शैतान ने उनके अंदर बोया उसको पानी देते हैं, फिर आहिस्ते 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 में फल आते हैं, फिर जो लोग मिलते हैं ये ले खा, ये है ये ऐसा, ये तू भी खा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, हर एक को बांटते रहते हैं, लो फल खाओ फल खाओ। हाँ सच में, पहले बीज डालेगा फिर बड़ा होगा फिर उसके फल, हर एक को खिलाते रहेंगे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। अरे वो तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा चला क्योंकि वो तुमको बताना चाहता था कि तुम कैसे हो। एक दिन मुझे एक जगह पे बुलाया गया और कहा गया प्रचार करने के लिए। मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। मैंने रात भर बैठ के वचन प्रिपेयर किया। अगले दिन जब मैं वहां पर खड़ा हुआ तो वहां पर एक परमेश्वर के दास आए और उन्होंने मुझे कहा,
नेक्स्ट टाइम प्रीच करना। और मैं अंदर से रात भर जागा यार, मैं वर्ड प्रिपेयर किया। आपको पता है मुझे तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य को नहीं, मैं एक नाइस परफॉर्मेंस करने वाला था। उनको हर्ट होता है जिनको पता चलता है आज मैं परफॉर्मेंस देने वाला हूं, और मुझे नीचे कर दिया गया। जो सच्चा विश्वासी होगा ना, वो एक ही बात कहेगा, ब्रदर आप करो मैं करूं। बाप का काम होना चाहिए, आप करो। हमारे बाप का काम होना चाहिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। आप करो मैं करूं कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कभी आंद्रयास बोलता था तो कभी पतरस बैठता था, कभी पतरस बोलता था तो कभी आंद्रयास भी बैठा रहता था। यू मस्ट अंडरस्टैंड। आज एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंदर से कैसे हैं आप? आपको लगता है यीशु न्याय आसन पे ऐसे बैठेगा? ये देखिए, सी 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 सी, आपको बहुत मजा आएगा। यीशु ऐसे बैठेगा, किसको ले? चेतन भाई नहीं आए ना? आज आए ना? चेतन आजा बेटा, आजा तेरे को दिखाऊंगा, आजा। और जैसे चेतन भाई आ गए, लेकर आ उसका चिट्ठा, और दो स्वर्दू चार इतने बड़े बड़े फाइल्स लेके आ रहे थे। चेतन भाई हो गया, यार क्या किया है मैंने, इतना बड़ा लेकर आए। और जैसे चेतन भाई सामने बैठे, भीतरी जीवन कैसा था? स्वर्दूत बहुत अच्छा था, बीवी से लड़ता था, नहीं नहीं प्रभु नहीं, बर्दाश्त करता था, सॉरी। उसके बाद यीशु, गौरंग को तंग किया था क्या उसने? गौरंग इसको तंग करता था। ये क्या गौरंग? उसके बाद बच्ची, हाँ इनकी बच्ची ठीक थी, वो बेचारी सिंपल सी थी, ओके, मतलब अच्छा जिंदगी था। स्वर्दूत बोलता है, हाँ मैं साथ में ही था इनके, तो अच्छा ही जीते थे ये लोग। अच्छा इसने पूरा प्रकाशित वाक्य पढ़ा था? नहीं, इसको नरक में डाल। अच्छा इसको वो पता था सात कटोरे जो है वो क्या है? नहीं, इसको नहीं पता रहा। दत्का आग को और दत्का, शद्रक मेशक की तरह बना, ठीक है प्रभु। और इसको वो पता था क्या कि वो मेमना क्या है, ये क्या है? प्रभु इसको कुछ भी नहीं पता था। आपको लगता है परमेश्वर आपका न्याय आपके नॉलेज पे करेगा? आज की सबसे खतरनाक बात जानते क्या है? मसीह लोग उस पेपर की पढ़ाई कर रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। जो एग्जाम आने वाला है वो उसकी पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। आज लोग पूछते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये चश्मों पाए करे, ये क्या है, 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 ये क्या है। और जैसे उनको रोका जाएगा ना, अरे उठना थोड़ा काम है, चुप कर, चुप। प्रभु ये क्या है? प्रभु बोलेगा, डोंगी बंद कर, बाइबल इनरमेंट ठीक कर। दे आर सो, इनको बहुत ज्ञान चाहिए पर भीतरी जीवन बिगड़ा हुआ है। तो ब्रदर क्या आप बाइबल के ज्ञान के खिलाफ हैं? बिल्कुल भी नहीं, पर मैं चाहता हूं ज्ञान से अधिक इंपॉर्टेंट जीवन है, इट्स लाइफ। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। अगर आपके आपको पूरी बाइबल नहीं आती, चिंता मत करो, आप अच्छा जिंदगी जी रहे हो। यीशु मसीह आपको ले जाएगा, वो आपको ले जाएगा। Yes, come on, give a big hand. उस दिन पौलुस कहता है, परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर की गुप्त बातों का न्याय करेगा, न कि उनके नॉलेज का। पर मैं आपको एक दुखद बात बताऊं, बहुतों के पास, जिनके पास उल्टा बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप देखो उनके अंदर फरीसीपन की आत्मा बहुत बड़ी है, जज करने के लिए, बातों को गलत ठहराने के लिए, दे आर सो क्विक। सेकेंड थिंग, यीशु ने दूसरा दृष्टांत कहा, एक आदमी को 5, दूसरे को 2 और एक को 1 टैलेंट दिया गया था। ये क्या है? आप जानते हैं परमेश्वर ने आप में से हर एक को, पहली चीज मैंने क्लियर की आपको, इनर मैन। सेकेंड थिंग, योर मिनिस्ट्री, बोलिए सेवकाई। आप जानते हो परमेश्वर किसको प्रचार करने के लिए वरदान देता है? किसी को आराधना करने के लिए वो कुछ कहता है, किसी को वो प्रोफेसी करने के लिए कहता है, किसी को अन्य भाषाओं का वरदान बताने के लिए कहता है। पर आप जानते हो सकता है आप में से हर एक को ये चीजें ना हो, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अबाउट योर मिनिस्ट्री। और याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री आप में से बैठे हर व्यक्ति को है,
चाहे वो महिमा की तरह छोटा बच्चा ही क्यों ना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनिस्ट्री, जितने भी लोगों ने आज तक आपको मैसेजेस में, कॉल्स में मिलते हुए ये कहा है मेरे लिए दुआ करना, क्या आपने उस एवरी सिंगल पर्सन के लिए दुआ की है? सोचो, आपको क्या लगता है कोई आपको यह कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो, यह कोई छोटी बात है? परमेश्वर अय्यूब के तीनों मित्रों को कहता है, जब तक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करे न करे, मैं तुम में से किसी को ब्लेस नहीं करूंगा। धर्मी दुहाई देता है, बाइबल बताती है यहोवा सुनता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सिर्फ दूसरों को प्रेयर रिक्वेस्ट देते रहते हो कि आप उनके, जितने भी लोग मसीह होने के बाद आज तक आपको मिले जिन्होंने आपको कहा मेरे लिए प्रार्थना करना, क्या आप एवरी डे 10 से 12 मिनट निकाल के हर उस सिंगल पर्सन के लिए प्रेयर करते हो? जानते हो यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर, बाइबल बताती है, दुआ करता है। आज बहुत सारे लोग हैं, सबको हाथ मिलाएंगे, जय मसीह, दुआ में याद रखना, प्रेयर में याद रखना, पर मैं आपको सच कहता हूं उनको सिर्फ व्हाट्सएप पे ऐसा ऐसा करने आता है। कोई आदमी लिखेगा ना प्रे फॉर मी, मुझसे नहीं होगी, पता नहीं ऐसा क्यों लिखते, समझ में नहीं आता। अरे वो क्या, उसने क्या आपका सिंबल मांगा क्या, उसने एमओजी मांगा क्या आपसे? दुआ में याद करना, दुआ में याद करना, आप करते हैं दुआ सबके लिए? ठीक है, पास्टर प्रीचर बनाना तो प्रभु के हाथ में है, हम तो किसको बना भी नहीं सकते हैं, हम सिर्फ कलीसिया को यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए लीड कर सकते हैं। पास्टर प्रीचर प्रॉफिट रेवरेंट जो भी आप देख रहे हो, ये तो सब खुदा बनाता है, पर क्या खुदा ने जो आपके हाथ में दी है चीज, क्या आप हर एक दूसरे के लिए दुआ करते हो? या जितने भी लोगों ने आज तक आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, क्या आप उनके लिए दुआ करते हो? मेरे घर में हम एवरी नाइट फैमिली प्रेयर करते हैं, मेरी फैमिली से राउंड बना के बैठती है। मैं अपने खानदान के उद्धार के लिए, अपने कलीसिया के परिवार के लिए, और मुझे व्हाट्सएप और मैसेंजर पे जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, खुदा जानता है हम हर एक के लिए दुआ करते। शायद हो सकता है हम सबके नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम सब प्रभु को ऐसा जरूर कहते हैं, खुदा तू जानता है उनके पास क्या समस्या है, तू जानता है उनके पास क्या प्रॉब्लम है, हम तेरे सामने झुकते हैं उनके उनके लिए, खुदा तू उन पर दया और रहम कर, उनके गुनाहों को क्षमा कर, इन्हें बचा। दिस इज योर मिनिस्ट्री। अभी ये मत कहना ब्रदर ये मिनिस्ट्री प्रभु ने, आप में से हर एक को ये मिनिस्ट्री है, हर एक की सेवकाई है कि आप कम से कम उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जिन्होंने आपको बोला है। कंटिन्यू, अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो मुझे एक बात बताइए, आपको चाहिए क्या? सोचो, क्या आप सिर्फ वचन सुनने के लिए आते हैं? क्या आप प्रभु के कोई बर्डन को नहीं उठाना चाहते? थर्ड थिंग, ये आखिरी बात है, यीशु मसीह चाहता था, उसे तीसरे दृष्टांत में कहा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था पानी पिलाया, बंदीगृह में था मुझसे मिलने आए, उससे ये बातें कही। उसके लोग उससे कहते हैं ये हमने कब किया, वो कहता है तुमने जो मेरे बच्चों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। एक आखिरी बात बता के मैं मैसेज को यहां पर ओवर करूंगा। पहली चीज जो यीशु के आगमन के लिए आपको तैयार कर सकती है वो आपकी है इनसाइट लाइफ कैसी है। सेकंड, कि आप कैसी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। छोड़ दीजिए स्टेज पे आना, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, प्रभु अपने समय में हर एक को खड़ा करता है, पर क्या जो काम उसने इस समय आपको फेथफुली दिया है प्रेयर करने के लिए, क्या आप एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं? एक आदमी से मैंने पूछा आप प्रेयर करते हो, खाना खा रहे थे हम लोग, तो उससे बोला खाना खाने के लिए क्या प्रेयर करें। यू नो, कभी कभी लोगों को क्या लगता है, प्रार्थना सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों के लिए होती है, बड़ी बड़ी चीजों के लिए। जब नौकरी, अब मालूम पड़े नौकरी जाने वाली है, मालूम पड़े हाउस लोन डाला था अभी मिलने वाला नहीं है, मालूम पड़े कि अभी चीज डिवोर्स तक आ गई है, तब लोग दुआ करना स्टार्ट करते। पर मैं आपको सच कहता हूं, मैंने उस हर आदमी को ब्लेस देखा है जो छोटी छोटी बातों के लिए भी दुआ करता है। आपको पता है प्रार्थना न करने का मतलब क्या है? सी, मैं आपको एक्शन करके दिखाता हूं। मैं घर से नीचे उतर रहा था, मैंने एक्टिवा स्टार्ट की, मुझे अंदर से आवाज आई, प्रेयर कर कि आज ट्रैफिक नहीं मिले और तू हर एक्सीडेंट से बचा रहे। और मैंने कहा मेरे को गाड़ी चलाना आता है, गली गली से निकालना, यू नो बहुत सालों गली गली से निकाल के गाड़ियां लेके आते हैं। और मैंने कहा नहीं। आपको पता है व्हेन यू रिफ्यूज प्रेयर, जब आप दुआ को नकारते हैं, आप प्रभु को जानते हैं क्या बोलते हैं? सुन,
आई एम इनफ इंटेलिजेंट और मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप प्रेयर को इग्नोर करते हो आप खुदा को यह कहते हो। लेकिन जानते हो जब आप प्रेयर करते हो आप प्रभु को क्या कहते हो? प्रभु भले ही मैं इंटेलिजेंट हूं पर मालिक तो आप हैं, आप आइए आप मुझे लीड कीजिए एंड ही विल लीड यू। और आप देखो बहुत लोग हैं जो स्वयं पर निर्भर थे। कभी आपने इस बारे में ध्यान दिया? मूसा मिस्र में ऐसे खड़ा होता था, ये करो वो करो वो करो ये करो, ऑर्डर्स देता था। लेकिन नेक्स्ट 40 इयर्स आपको पता है उसके मुंह से आवाज क्या आने लगी? यू नो बेड़ों को चराना क्या होता है। इतनी बड़ी आवाज से इतनी छोटी आवाज, खुदा ने उस 40 सालों में स्वयं पर निर्भर रहने वाली उसकी शक्ति निकाल दी। और 40 साल के बाद खुदा उससे कहता है मिस्र जा, वो कहता है मैं तो बात ही नहीं कर सकता। मेरी तो प्रार्थना है खुदा हर एक को यहां पर लेकर आए जब आपकी स्वयं की शक्ति चली जाए और आप खुदा पर निर्भर रहना सीखे फॉर एवरीथिंग। जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख कौन है जो अपनी नजर में स्मार्ट है? दे आर द मोस्ट फूलिश पीपल। ए मेरे को मत बता, अरे कंधा टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे का है, मेरे को मत बता। बाप बाप ने सिखाया। ओके, एक बहन ब्यूटिशियन थी, प्रभु ने उसको बोला प्रेयर कर, किसी को सजाने से पहले उसे दुआ नहीं की, बाद में भूत बना दिया उसको। बोलो यीशु मसीह की। आइए तीसरी चीज, प्रभु चाहता है आपके बाजू वाले से आप कैसे चलते हो, मैं तो लात मारता हूं प्रभु उसको। आइए अपने बाजू वाले को देखिए। सूरज भाई मैं आपको एक सच बोलूं, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता है। मती 7:7 पता है, मरकुस 11:23 पता है, बाजू वाले का नाम नहीं पता है। आपको पता है लोग प्रकाशन ढूंढते हैं, बाजू वाले को नहीं जानते। ट्रस्ट मी, आज बहुत सारे लोग हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें ढूंढते, अपने फेलो बिलीवर्स से प्यार नहीं है उनको। तीन चीजें खुदा से कहता है मेरे आने से पहले इन बातों पे ध्यान दे, तेरा भीतरी जीवन कैसा है, क्या तू अपनी सेवकाई में फेथफुल है, और थर्ड तू अपने कलीसिया के अंदर अपने बिलीवर्स भाइयों से कैसे चलता है। थ्री थिंग्स उसने अपने आने के बाद ये दृष्टांतों में बताई कि मेरे आने से पहले इन तीन चीजों पे ध्यान देना। तुम्हें सिंबल्स नहीं पता है, तुम्हें ये नहीं पता है, इट्स ओके, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम अपने बाजू वाले के प्रति कितने दयालु हो। आपको पता है एक लास्ट चीज बता रहा हूं ब्रदर, मैंने आपको एक इमेज दी थी। मैं आपको सच कहता हूं, मैं प्रेयर करता हूं प्रभु तू मुझे ऐसा बना। वी ऑट टू बी लिविंग इफ As if Jesus died yesterday, rose this morning, and is coming back this afternoon. हम इस तरह जिए कि यीशु कल मरा, आज जी उठा और दोपहर को आने वाला है। एक आदमी के, एक खुदावन के खादिम ने ऐसा लिखा था। We ought to be living as if Jesus died yesterday, को कल मरा, rose this morning, आज जी उठा, and is coming back this afternoon. काश हम इस तरह जिए कि यीशु कल मरा, आज सुबह जी उठा और आज दोपहर को आ रहा है। ये कोई ऐसे वैसे दास नहीं थे, ये खुदा के लोग थे, ये प्रभु के भय में चलते थे। आज आपको पता है, आज बिलीवर्स, मैं आपको सच कहता हूं, आज बिलीवर्स अपने शब्दों से किसी को उठा नहीं रहे हैं पर एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। यीशु ने कहा अंतिम दिनों में मैं चाहता हूं तुम अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करो। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? तुम आपस में प्रेम करो, इससे लोग जानेंगे कि तुम क्रिश्चियंस हो, तुम मसीह हो। पर आज मसीह लोग झगड़ा करते, एक दूसरे को नीचा दिखाते, कहते हैं इसको वरदान ही नहीं है, ये ह्यूमन है, ये है वो है। मुझे एक बात बताइए, कितने लोग इस लाइन पे बिलीव करते हैं, अगर तुम अपने भाई के रखवाले नहीं हो तो तुम अपने भाई के हत्यारे हो। Do you know? किया होगा किसी ने आपके साथ बुरा,
हर्ट हुआ होगा आपको, किया होगा किसने बुरा बर्ताव बाइबल जानने के बाद भी। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते, खुदा तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि अब तुम क्या करोगे। अगर मैं इस कलीसिया में किसी भाई का रखवाला नहीं हूं तो भाई मैं तुम्हारा हत्यारा हूं। यू नो प्रभु ने एक चीज केन से कही थी, तेरा भाई कहां है? वो कहता है क्या मैं इसका रखवाला हूं? जो रखवाला नहीं था वो हत्यारा बना था। अगर मैं अपने भाई का रखवाला नहीं हूं तो मैं अपने भाई का हत्यारा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप अपने बिलीवर्स भाइयों के लिए, बहनों के लिए किस प्रकार के ख्याल रखते हैं? माफ करना इट्स ओके, पर दया किसी की हेल्प करने के लिए इंस्पिरेशन देती है। आज लोग सिंबल्स को ढूंढने में लगे पड़े हैं। यीशु ने कहा उन समयों और नियमों को जानने की कोशिश मत करो, पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम शक्ति पाओगे। यीशु कह रहा था पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, साइंस को क्यों ढूंढ रहे हो? पूछिए अपने आप से, कितने लोगों का नाम खराब किया है आपने लास्ट 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, 4 ईयर्स में? कितने लोगों को फोन कर करके बताया होगा आपने ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा? पूछो अपने आप से, तुम टेस्ट में फेल गए हो। खुदा चाहता था कि तुम उनसे मोहब्बत करो। अरे मैं आपको सच कहता हूं, जिस समय आपको एक हर्ट करे और उसके बाद भी आप उसको आशीष दो, उसको उठाओ, मैं तुमको कहता हूं तुम उसका नहीं, तुम अपना प्रमोशन कर रहे हो। खुदा तुम्हें उठा रहा था। I was amazed जब मैंने इस चीज को पढ़ा, जब दाऊद को कहता है एक आदमी चल शाऊल को मारते हैं, दाऊद कहता है मैं यहोवा के अभिषिक्त के लिए कुछ नहीं करूंगा। एक ऐसा आदमी जो बैकस्लाइडर था, दाऊद उसको कहता है he is anointed। दाऊद जानता था मैं टेस्ट किया जा रहा हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं वाइंड अप कर रहा हूं, हाउ आर यू? आप इन 3 चीजों में कैसे हो? ये 25 अध्याय की बातें हैं। अचानक उसने, यीशु ने अपने आने के लिए कहना बंद, तैयारी के लिए बोलना शुरू किया था। क्या आप, यहां देखिए, क्या आप इनसाइट लाइफ में फेथफुल हैं? जब आपको कोई नहीं देखता और आप कमरे में रहते हो तो जिस समय, उस समय आप क्या सोचते हो? सेकंड, क्या आप हर एक के लिए दुआ करते हो? एंड द थर्ड थिंग, आपके फेलो बिलीवर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? सोचो। मैं आपको सच कहता हूं, ये स्टेटमेंट बोलते हुए पता नहीं कैसा लग रहा है। पता नहीं अगर जिसने आज का मैसेज इग्नोर किया उसका क्या होगा। ट्रस्ट मी, काश हम ईमानदार बने और आज कहें ब्रदर थैंक यू, ये मेरे लिए था, ये मेरे लिए था भाई, आज मुझे आपने अलर्ट किया है, आज मुझे पवित्र आत्मा ने इस कलीसिया में मेरा फरीसीपन दिखाया है ताकि मैं बाहर आ सकूं। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बंद कीजिए, प्लीज क्लोज योर बाइबल, सब बंद कीजिए, लिखना भी बंद कीजिए 2 मिनट। मैं चाहता हूं आप 2 मिनट इसको सुनो, सुनिए। आपको पता है दुनिया कहां जा रही है? आज लोग विदाउट मैरिज रहते हैं एक साथ, लिव इन रिलेशनशिप। मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया, उससे बोला भाई मैं बड़ा हैरान हूं। मैंने बोला क्यों? बोला मैं एक औरत से मिला, उसके 3 बच्चे थे और तीनों का बाप अलग अलग था और शादी एक से भी नहीं की थी उसने। ट्रस्ट मी, दुनिया इस हद तक जा रही है। मैं बहनों की प्रेजेंस में आई एम सो सॉरी, आपको पता है इन दिनों में लोग अपनी वासना को पूरा करने के लिए जानवरों का उपयोग करते, क्या बचा है? और उस अंधकार भरे जगत में खुदा आपसे कहता है ध्यान दो, बी अलर्ट। झूठे प्रॉफिट्स आ गए हैं, YouTube पे झूठे प्रॉफिट्स आ गए हैं, बहुत सारी जगहों पे झूठे प्रॉफिट्स आ गए हैं, साइन और वंडर्स ये वो सब हो रहा है। और यीशु आज इस कलीसिया को कहता है इस पूरे अंधकार के समय में परमेश्वर की ज्योति की संतान बनो। अगर आज आप यहां पर कपड़े झाड़ के जाओगे, अच्छा मैसेज था ब्रदर मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं पता है खुदा आपको उसके बाद कैसे जगाएगा, आई रियली डोंट नो। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं, दिस इज नॉट अ वार्निंग, दिस इज अ मैसेज।
अगर आज इस वचन को सुनने के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, इट्स ओके, मैं सही हूं अपनी जगह पे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारा मन वहां से और कठोर होना चालू हो जाएगा। आपको पता है, एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, इस पृथ्वी पर सारे क्योस इसीलिए हैं क्योंकि बाइबल इग्नोर की गई है। ट्रस्ट मी, A.W. टोजर नाम था उनका, बोलता है इस दुनिया में जितना भी क्योस ढूंढ देख रहे हो ना, वो तब स्टार्ट हुआ जब एक लेडी ने डिसाइड किया वो खुदा का नहीं वो डेविल का मानेगी। वहां से स्टार्ट हुआ है सब। आज आपने बहुत कुछ समझा है, मगर अगर आज आप इन चीजों को अवॉइड कर रहे हो, मैं आपको सच कहता हूं, मैं जो हमेशा करता हूं मैं फिर से करता हूं, मैं अपने कपड़े झाड़ता हूं आपके सामने, मैंने आपको संपूर्ण सत्य बताया है, मैं पौलुस की तरह आपके सामने कहता हूं, मैंने परमेश्वर का सारा अभिप्राय आपको बताया है, मैं किसी के खून का भागी नहीं हूं यहां पर, मैंने आपको संपूर्ण सत्य बताया है। ये अब आपके ऊपर है कि आप यहां से जाने के बाद कैसी लाइफ जिएंगे, आप अपने भीतरी जीवन कैसे जिएंगे, आप कैसे अपनी मिनिस्ट्री करेंगे और आप कैसे अपने फेलो बिलीवर्स के साथ रिलेशनशिप रखेंगे। दैट्स अपॉन यू।